हेलो एवरीवन, आज हम आपको घड़े में पानी रखने के तरीके को बताएंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि घड़े में पानी किस प्रकार से रखा जाता है, लेकिन आज हम बताएंगे कि पुराने से पुराने घड़े में भी हम इस तरह से पानी को रख के अपने काम में ला सकते हैं। और इस तरह का जो पानी होता है वो हमारे शरीर के सभी विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है। तो घड़े में पानी रखने के लिए हमें सबसे पहले घड़े को अच्छे से धो के साफ कर लें, अंदर से और बाहर से अच्छे से उसको साफ करके अब हम कोई भी चांदी का बर्तन, कटोरी, गिलास, चम्मच या ये सब नहीं हो तो कोई चांदी की तार को ले सकते हैं। कुछ रुद्राक्ष, 1, 2, 3 जितने भी आपके पास हो, तांबे का पात्र सभी के घरों में मिल जाता है, तांबे का लोटा, चम्मच, कुछ भी नहीं तो तांबे की तार भी चल जाती है। अब हम घड़े के अंदर इन सभी चीज़ों को रख देंगे। घड़े में इनको रखने से जैसा कि हम जानते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होता है, तो इस तरह से हम एक घड़े में पानी रख के पूरे परिवार को इसका पानी हम पिला सकते हैं, पूरे परिवार की सेहत को हम ठीक रख सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ों से ही हम अपने परिवार की सभी तरह से बीमारियों को, समस्याओं को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पानी मेन चीज़ होती है और अगर वही शुद्ध होगा तो शरीर में सभी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। अब हम इन सभी चीज़ों को रखकर घड़े को पानी से भर लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा करके रख दें। वैसे तो जो मिट्टी का बर्तन होता है, जो ढक्कन होता है, उसी को लगाना चाहिए, पर इस वक्त हमारे पास वो नहीं है तो मैं स्टील के ही प्लेट से इसको ढक रही हूँ। तो इस तरह से हम अगर घड़े में पानी को रखते हैं तो एक घड़े का पानी हम पूरा परिवार पीते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए, चांदी के बर्तन का पानी पीना चाहिए, तो अलग अलग परिवार के सदस्यों के लिए एक एक बर्तन नहीं उपलब्ध हो सकता। तो इस तरीके से हम सभी चीज़ों को एक घड़े में रख के इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी सभी के लिए सही रहेगा, जो हमें काफ़ी बीमारियों से, समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। तो अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।